सबसे पहले तो मुस्कुराइए कि आप अमृतकाल आपका शुरू हो चुका है। अमृतकाल, अमृतकाल की पहली न्यूज सुनिए आप, पीजीआई चंडीगढ़ की बड़ी बढ़िया न्यूज है। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, यशस्वी प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं सुनने पर चंडीगढ़ पीजीआई की 36 छात्राओं को हॉस्टल से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। हॉस्टल से बाहर नहीं निकलेंगी वो 36 छात्राएं। सुननी चाहिए थी मन की बकवास, नहीं मन की बात सुननी चाहिए थी ना, क्यों नहीं सुनी मन की बात? क्या पता कौन से काम की बात बता देता, हो सकता है उनको कोर्स पूरा ना करना पड़ता हो, डायरेक्ट डॉक्टर भी बन सकती थी, क्योंकि मन की बात में तो ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं। बादलों की ओट में रडार में एरोप्लेन नहीं मिलता, नाली की गैस से चाय बना ही सकते हैं, ऐसी ऐसी तो सुननी चाहिए थी। गलत किया उन छात्राओं की, गलती है, बिल्कुल गलती है, चलाना चाहिए गोदी मीडिया को। उन छात्राओं ने मन की बकवास, मन की बात क्यों नहीं सुनी? सुननी चाहिए थी उनको, मुस्कराना चाहिए आपको। लेकिन गोदी मीडिया तो एक दूसरे ही उसमें एंगल में फंसी हुई है, ऐसे एंगल में फंसी हुई है कि उससे निकलना ही उनको मुश्किल हो रखा है, मुश्किल हो रखा है उनको निकलना। बताते हैं आपको वो कौन से एंगल में फंसी हुई है। सबसे पहले जो साथी नया जुड़ता है, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात रखने की जिम्मेवारी हमारी है। कर्नाटक की जनता को कभी दिल से माफ नहीं करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, देखना कल शाम को यही न्यूज चलेगी। आज तो मुस्कुराइए, अभी तो अमृतकाल चल रहा है। कर्नाटक की जनता ने बहुत बड़ा धोखा किया। अगर कर्नाटक में बीजेपी हार गई, प्रधानमंत्री साहब की तपस्या में कमी रहेगी, तो प्रधानमंत्री साहब कभी उनको दिल से माफ नहीं करेंगे। गोदी मीडिया ने अपना नैरेटिव सेट कर लिया है, वहां पे बलि का बकरा किसको बनाया जाएगा, अध्यक्ष को बना देंगे, जेपी नड्डा साहब को बना देंगे, कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि अपना तो यशस्वी प्रधानमंत्री है, विषव गुरु है अपने पास, तो विषव गुरु को थोड़ी ना नीचा दिखाना है। भले ही चेहरा वहां पे अभी तक प्रधानमंत्री साहब का चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे पोस्टरों से चेहरा हटा दिया गया है, हटा दिया वो चेहरा धीरे धीरे पोस्टरों से, अभी पोस्टरों पे वो चेहरा नहीं दिखेगा। अब क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हार रहे हैं वो, गोदी मीडिया लगी हुई है, लेकिन जैसे तैसे करके ईवीएम में भी गड़बड़ नहीं करने दी कर्नाटक की जनता ने, सबसे बड़ी दोषी है कर्नाटक की जनता। ईवीएम में गड़बड़ क्यों नहीं करने दी उन्होंने, करने देनी चाहिए थी ना। चलो आपको बताते हैं जंतर मंतर पे क्या होगा। जैसे ही कल रिजल्ट आएगा, कर्नाटक का रिजल्ट आएगा, सबका ध्यान जाएगा फिर कहाँ पे, जंतर मंतर पे, जहां पे अपने पहलवान बेटिया पहलवान बैठे हुए हैं, देश का गौरव बैठा हुआ है वो। हालांकि विश्व गुरु को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन देश का गौरव वहां पे जंतर मंतर पे बैठा हुआ है, जिन्होंने ना विदेशों के अंतर, जो गोदी मीडिया कहती जो लंकापति का डंका बज रहा है वो नहीं, इन्होंने सच में डंका बजाया है विदेशों के अंदर, राष्ट्रगान बजवाया है, तिरंगा लहरवाया है इन्होंने, लेकिन गोदी मीडिया को दिखाई नहीं दे रहे, वो लगे हुए हैं कैसे भी करके। लेकिन अगले 3 या 4 दिन के अंदर भरतभूषण गिरफ्तार हो जाएगा, अगले 3 या 4 दिन के अंदर, फिर गोदी मीडिया को वो दिल से माफ़ नहीं कर पाएगा, ब्रजभूषण माफ़ नहीं करेगा कि इन्होंने कोई मदद नहीं की। हालांकि दिल्ली पुलिस बहुत मदद कर रही है उनकी, ब्रजभूषण साहब का सूत्रों की मानिए ना, अगर सूत्रों की बात मानी जाए तो ब्रजभूषण साहब का बयान दर्ज कर लिया गया है, ठीक है ना, बयान दर्ज तो कर लिया गया है, लेकिन उस बयान को दिखाया क्यों नहीं गया ये अभी तक समझ से बाहर है कि वो बयान दिखाया क्यों नहीं गया। दिल्ली पुलिस ने बयान दर्ज किया है, एक बार नहीं 2 बार बयान दर्ज किया है ब्रजभूषण का, लेकिन अभी तक कहीं नहीं आया। गोदी मीडिया में जब तक नहीं आएगा तब तक कोई मानेगा नहीं। और ये तो आपके क्या होते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली पुलिस की SIT के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के आरोपी जांच के लिए महिला DCP की निगरानी में 10 सदस्यीय विशेष जांच कमेटी SIT का गठन किया है। सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण का 2 बार बयान दर्ज हुआ है, गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? पास्को एक्ट के तहत FIR दर्ज है, गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? बयान दर्ज हो रहे हैं, एक देश एक कानून आ गया ना यहाँ पे, एक देश एक कानून, ये है हमारा एक देश एक कानून, यही ऐसे देश के अंदर, होनहार देश के अंदर हम रह रहे हैं, इतने होनहार देश के अंदर। दिखाएगा क्या गोदी मीडिया? नहीं दिखाएगा। एक के बाद लगातार 3 धमाके हो गए। हालांकि आप ये मत समझना, वो चाहते तो बड़े धमाके भी हो सकते थे, छोटे धमाके सिर्फ इसलिए करके दिखाए गए ताकि वहाँ पर एक डर का माहौल बन जाए, श्री अमृतसर साहिब के अंदर एक डर का माहौल बन जाए, सिर्फ इसलिए छोटे धमाके किए गए हैं। 5 जो बंदे पकड़े गए हैं उनके पास 1.1 kg RDX भी बरामद होया है, विस्फोटक पदार्थ बरामद होया है उनके पास। कुछ नहीं होगा, उनको यहीं जेल में रखा जाए, उनके ऊपर NSA नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अमृतकाल से आए हैं, वो अमृतकाल चल रहा है उनका। हाँ, आपके ऊपर NSA लगेगा अगर आपने नशे की खिलाफत की, जो नशे में युवा मर रहे हैं उनका नशा अगर आप छुड़वाओगे तो आपके ऊपर नशे लगेगा, छुड़वा के देख लो नशा। जो नशे के व्यापारी लाखों करोड़ों रुपए देते हैं, एक रोबोट प्रधान मुख्यमंत्री है, रोबोट मुख्यमंत्री तो नहीं है लेकिन रोबोट एक बैठा रखा है पंजाब के अंदर, उस रोबोट के पास पैसा पहुंच जाता टाइम से,
तो रॉबर्ट फिर वही आदेश मानता जो दिल्ली से आदेश आता है, क्योंकि वो दिल्ली में बैठा बढ़िया तो खुद कहता है कि पंजाब की, उसको तो पंजाब पे कब्जा करना था, वो लिया कर। अब पंजाब को किस दिशा में धकेला जाएगा, भगवान ही मालिक है। लेकिन अकाल पुरख, फिर दोबारा याद दिला रहा हूँ मैं, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, और वो लाठी पड़ने वाली है। अभी तो जश्न मना रहा है ना वो, दिल्ली का सब कुछ उसके हाथ में आ गया। और जैसे ही हाथ में आया, उसने अधिकारियों को चेतावनी दे दी, दिल्ली के अधिकारियों को चेतावनी दे दी कि बहुतों की बदली करेंगे। ये डर बैठा रखा है पुलिस के अंदर, या जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके अंदर। आईएएस और आईपीएस ऐसे तैयार नहीं होता, ऐसे तैयार नहीं होता। लेकिन उन आईएएस और आईपीएस को ना एक अनपढ़, एक मूर्ख, एक कुछ भी ना जानने वाला, एक चोर, एक डकैत, एक बलात्कारी डरा देता है। आईएएस और आईपीएस अधिकारी को डरा देता है क्योंकि अमृतकाल चला हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि अमृतकाल चला हुआ, डरना पड़ेगा आईएएस आईपीएस अधिकारी को। एक आईएएस और आईपीएस बनने के लिए दिन रात जो बच्चा मेहनत करता है, इतनी ऊपर तक जाता है, फिर उसको डर रहता है कि कहीं नौकरी ना चली जाए। फिर बात करते हैं आपके अमृतकाल के, जो आपके कोई भगवान है, खेलने वाला खिलाड़ी, कोई भगवान आपका, कोई कुछ है, पता नहीं, भगवान से भी प्रदर्जा दे सकते हो। पहली बात तो पहले गिनती समझ में नहीं आ रही भगवान कितने हैं। उन भगवानों ने कभी एक शब्द भी निकाला कभी सरकार के खिलाफ? कल उनसे एक शब्द बुलवा दो भगवान की जगह पर ना, उनका और कुछ बना देना गोदी मीडिया मिल के, तो देख लेना, देख लेना। क्योंकि वो भगवान तो गुटखा बेचने में मशहूर हैं आपके, जिनको आप लेजेंड मानते हो, जिनको आप बहुत बड़ा हीरो समझते हो ना, वो आपके गुटखा खैनी तम्बाकू बेचने में मशहूर हैं, लगे हुए हैं उसमें, गुटखा खैनी को बेचने में। चाहे आपके फिल्मों के कलाकार हो, चाहे कुछ भी हो। अब लोग कहेंगे कि फिल्म कलाकारों का इनका जिक्र क्यों किया। फिल्म कलाकार, क्रिकेटर और नेता एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, अगर आपको ना पता हो तो। आप क्या सोच रहे हो, दो केरला स्टोरी दिखाई जा रही, तीन लड़कियां मिसिंग होगी, सत्य घटना पर आधारित फिल्म द केरला स्टोरी, तीन लड़कियां गुम होगी, गुजरात से 41,621 लड़कियां गुम होगी, कोई दिखाएगा क्या? मन की बकवास में यशस्वी प्रधानमंत्री साहब ने मन की बात में कभी बोलोगे 41,621 लड़कियां कैसे गायब होगी गुजरात से, बताओगे कभी? नहीं बताएंगे। लेकिन हम आपको मन की बकवास अगर नहीं सुनोगे तो सजा जरूर पाएंगे, वो भी बच्चे सजा पाएंगे, नर्सिंग कोर्स करने वाली छात्राएं सजा पाएंगी। सुननी पड़ेगी भाई मन की बकवास, तो सुनी तो हमने भी नहीं आज तक, पता नहीं क्या बोलते हैं क्या नहीं। हमारे को तो पहले ही पता है, बोलेंगे क्या, कुछ पता होगा तभी तो बोलेंगे ना। इनके 5-7 शब्द हैं जो इनके पास पहले से रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, इन शब्दों को हटा दे, बोल क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं। अपने आप ही खुद गोदी मीडिया लिख देगी कि सुनिए ये मन की बकवास, अभी तो मन की बात बोली जा रही, उसकी मन के बकवास ही अपने आप बोल देंगे, क्योंकि इनसे अलग कुछ होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। आपको एक चीज बता के ना अभी क्लियर कर देते हैं, अगला खेल, लोग इसके ऊपर ना कमेंट करके बता देना, अगला खेल पंजाब के अंदर जातिवाद का होगा। लोग कहेंगे सिक्खी में जातिवाद नहीं होता, सिक्खी के अंदर ही जातिवाद का खेल सेट कर दिया गया है, सबूतों के साथ अगले वीडियो में दिखा देंगे आपको, जातिवाद का खेल पंजाब के अंदर शुरू होगा, शुरू। ये सिर्फ आपको इसलिए बता दें कल क्या होगा, वो बताया गया था, लेकिन आप मुस्कुराइए, आप अमृतकाल में जी रहे हैं, मुस्कुराइए, आप अमृतकाल में जी रहे हैं, ये आपको बता दिया गया है। जो साथी नया जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, लेकिन अगले उसमें सबूतों के साथ। और हाँ, हो सकता है आपको हिंदी समझ में ना आए, पंजाबी में इलाज बता देंगे, पंजाबी समझ में ना आए अंग्रेजी में इलाज बता देंगे, ज़्यादा बकवास करोगे तो आसामी भी बोल लेंगे, लेकिन समझाएंगे तुम्हारे को जरूर। हाँ, अंधभक्तों को और मूर्खों को इनको समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भगवान को ढूंढना आसान है, अंधभगत का इलाज ढूंढना नामुमकिन है, ये आप याद रखना। तो अंधभगत ना बन के एक सच्चे नागरिक बनिए अपने देश के, सच्चे नागरिक। अगर आप जिस भी धर्म के अंदर हो, अपने धर्म के पक्के रहिए, किसी दूसरे धर्म को गाली मत दीजिए। इंसान बनो, इंसान के रूप में अगर पैदा हुए हो तो, वो मत बनो जो ये तुम्हारे को बनाना चाह रहे हैं, फिल्मों के जरिए, नाटकों के जरिए, क्रिकेटरों के जरिए, या नेताओं के जरिए जो आपको बनाया जा रहा है ना, वो मत बनो, इंसान बनो, इंसान के रूप में पैदा हुए हो, ये याद रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक भोजी चैनल, बात हक और सच की जाएगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।